हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं संडे विद सैंडी चैनल में। एंड दोस्तों विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो सबको। चलिए दोस्तों आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी मोहन की है। मोहन जो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसका बहुत ही मन था कि वो ईद पे अपनी मैडम को गिफ्ट दे। ईद का दिन आता है, वो अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे कुछ पैसे दो, मुझे अपनी मैडम को गिफ्ट देना है। अब होता यह है कि उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मम्मी फिर भी उसको 2500 रुपये निकाल के देती है कि बेटा ये लो, जाओ ईद का गिफ्ट अपनी मैडम को दे दो। अब मोहन समझदार तो होता है, उसको समझ आ जाता है 2500 रुपये में होगा क्या। उसको पता होता है कि अगर वो मार्केट में जाएगा 2500 रुपये का गिफ्ट खरीदने के लिए तो कुछ मिल तो पाएगा नहीं। अब वो क्या करता है, 2500 रुपये में चार्ट पेपर खरीदता है और गत्ता खरीदता है और बैठ के बहुत ही अच्छा गिफ्ट बनाता है। अब वो स्कूल जाता है गिफ्ट लेके। अब वो देखता है कि लाइन लगी होती है बच्चों की, बच्चे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट लाए होते हैं। ये देख के मोहन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि जो मोहन गिफ्ट लाया होता है बड़े ही जज्बातों से, इमोशन से, और उसने खुद अपने हाथों से वो गिफ्ट बनाया होता है। जब वो गिफ्ट देता है मैम को तो काफी उदास होता है, उसके आंखों में पानी होता है। मैम बहुत ही खुश होती है गिफ्ट देख के। जब मैम गिफ्ट खोलती है उसको समझ आ जाता है कि मोहन ने खुद अपने हाथों से बनाया है गिफ्ट। लेकिन मोहन को ये नहीं पता होता कि वहाँ पे कंटेस्ट चल रहा होता है, डिसाइड करना होता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है और उसको फर्स्ट प्राइज देना होता है। असेंबली होती है, अनाउंसमेंट होता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट मोहन का है और मोहन को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। जब मोहन प्राइज देने आता है, जो मैडम मोहन को प्राइज दे रही होती है, मोहन उस मैडम से गले लग के फूट फूट के रोता है। देखा दोस्तों आपने, दोस्तों इस स्टोरी का मैसेज बहुत ही क्लियर और सिंपल है। ये मायने नहीं रखता कि आपका गिफ्ट कितना महंगा है, ये मायने नहीं रखता कि आपका गिफ्ट कितना एक्सपेंसिव है, ये मायने रखता है कि उस गिफ्ट के पीछे इमोशंस क्या है, ये मायने रखता है कि उस गिफ्ट के पीछे जज्बात क्या है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी स्टोरीज की, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। और वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, हरे कृष्णा।